व्यक्ति था हिमालय पे चढ़ गया। उसको पता लगा हिमालय पर्वत पे एक ऐसी पर्वत चोटी है जिसको साइलेंट माउंटेन बोला जाता है ना, बहुत शांति है वहाँ पर। तो वहाँ चला गया और वहाँ से जब उतरा तो वहाँ पे एक गुरुजी थे, स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। तो उस प्रवचन में जाके बैठ गया। अब ये स्वामी जी भी उस हिमालय की चोटी के बारे में बताते हैं, बोलते कि देखो कभी आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। कैसे अच्छा बोलना चाहिए? जैसे ये हिमालय की जो पर्वत की चोटी है साइलेंट माउंटेन, ये अच्छा बोलती है। तो ये खड़ा हो गया बाहर, बोलते स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं गया हूँ उस हिमालय की चोटी पे ना, बेशक उसका नाम साइलेंट माउंटेन है ना, मगर वो तो अशांत कर देती है आपको, इतना भरा बुला बोलती है वो चोटी, वो पर्वत। स्वामी जी बोलते चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं दिखाता हूँ। बोले मैं भी आपको दिखाऊंगा ना, कितना वहाँ पे कितना नेगेटिव एटमॉस्फियर है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो जैसे ही व्यक्ति वहाँ गया स्वामी जी के साथ और वहाँ पे जोर से चिल्लाता है, हु आर यू? अब वहाँ तो पर्वत है तो वहाँ क्या इको आती है, तो वहाँ से आवाज आई, इसने एक बार बोला तो वहाँ से दर्जनों आवाज आई, हु आर यू। तो ये बोलते फर्स्ट यू टेल, तो वहाँ से आवाज आती फर्स्ट यू टेल। बोले यू आर सो रूड, तो वहाँ से आवाज आती यू आर सो रूड। बोले आई हेट यू। बोले देखो स्वामी जी इतना इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है ना, सब गंदगी निकलती है यहाँ से, सब कुवचन निकलते हैं यहाँ से। तो स्वामी जी बोलते हैं वेट साइलेंस, लेट मी ट्राई। तो वहां पे वो स्वामी जी बोलते हैं, ओ भगवान स्वागत है आपका। तो उधर से आवाज आती है, ओ भगवान स्वागत है आपका, भगवान स्वागत है, भगवान स्वागत है, भगवान स्वागत। स्वामी जी बोलते हैं देखो कि ये जो पर्वत की चोटी है ये आईने के समान है, जो इनपुट दोगे ये वहां बाहर निकाल देगी। तो ऐसे ही है ना, हमारे अंदर जो है ना वही बाहर निकलता है, वैसे ही पूरी दुनिया में वैसे दिखने लग जाती है। एक डिवोटी बड़े अच्छा बता रहे थे कि आप संतरे लोगे, संतरे को निचोड़ो ऐसे तो क्या निकलेगा उसमें से? आम का जूस निकलेगा, ग्रेप जूस निकलेगा, पाइनएप्पल जूस निकलेगा, क्या निकलेगा? संतरे का जूस निकलेगा। कि जो अंदर है ना, जब थोड़ा सा वहाँ पे उसको टेंशन दी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा, तो जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। अंदर क्रोध बढ़ा है तो कोई थोड़ा सा टिटिलेट करेगा तो क्रोध बाहर निकल जाएगा। अंदर लोभ भरा है, लोभ बाहर निकल जाएगा। अंदर काम भरा है, काम बाहर निकल जाएगा। कि जो अंदर है वही बाहर निकल जाएगा। लोग तो केवल आईना है।